अंग्रेज भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को दमनकारी नीतियों से कुचलते जा रहे थे, लेकिन अंग्रेज कभी भी क्रांतिकारियों के साहस और आजादी के सपने को कुचल नहीं सके। ऐसे ही अदम्य साहस की कहानी बताता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का इतिहास। काकोरी घटना के बाद जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पर अंग्रेजों का हंटर चला तो इस बड़े झटके से निकलने के लिए क्रांतिकारी कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गए। इसके बाद एक तरफ सभी युवा क्रांतिकारी फिर से अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज करने के लिए दिसंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इकट्ठे हुए और यहीं पर भगत सिंह के आग्रह पर एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए करने की सहमति बनी। वहीं दूसरी तरफ साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंजाब के श्री लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जिसका बदला एचएसआरए के सदस्यों ने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर लिया था। इसके बाद क्रांति को जनक्रांति में बदलने और अपना उद्देश्य जनता तक पहुंचाने के लिए भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा के कक्ष की खाली बेंचों पर बम फेंका और अपनी गिरफ्तारी दी।